सुना है जब वो बोले तो होठों से फूल झड़ते हैं, सुना है जब वो बोले तो होठों से फूल झड़ते हैं, और ऐसी बात है तो चलिए बात करके देखते हैं। ये कहना है जनाब अहमद फराज साहब का, 10वीं दर्जा में 2 गज़ल है इनकी। इम्तहान में सवाल जो आते हैं वो इनकी ज़िंदगी के बारे में और इनकी गज़लों से, उनकी तशरीह और गज़ल में क्या क्या कहा उन्होंने उसके बारे में सवाल आ जाते हैं। उन्हीं का शेर है ये, रोमानवी शायर, रोमांटिक शायर पाकिस्तान के। इनकी पैदाइश हुई 1933 में पेशावर में, पेशावर याद है, पेशावर यूनिवर्सिटी है और जगह का भी नाम है, और वहीं हमला हुआ था बम से, वहीं से एक गज़ल निकली थी कि मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। खैर तो वो आपकी बात है, लेकिन 1933 में पैदा हुए कौन, अहमद फराज पेशावर में। घर का माहौल कैसा था, तो घर का माहौल अदबी था और शायराना था। अदब कहते हैं जबान को, इस उर्दू अदब हुआ, इंग्लिश लिटरेचर हुआ, हिंदी साहित्य हुआ, एक ही चीज़ हुई। तो घर का माहौल कैसा था, अदब का था, शायराना था, यानी जो बड़े थे घर के वो भी शायरी करते थे। तो ये भी तालिब इल्मी के ज़माने से, यानी पढ़ने के ज़माने से शायरी करने लगे और आसान जबान में, आम खास सब में शायरी करने लगे। लोगों ने इनको काफ़ी सराहा भी, मकबूल शायर कहा जाता है, रोमांटिक शायर कहा जाता है। और डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री इनको जो मिला वो कराची यूनिवर्सिटी से, रांची नहीं, रांची का पगलखाना इंडिया में, झारखंड में, कराची यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की थी। कौन सा, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री। उसके अलावा मैगजीन भी लिखा था, रिसाला कहते हैं, रिसाला की जमा पूछ देते हैं इम्तिहान में, रिसाला की जमा रिसाइल होगा, ठीक है, तो वो पूछ देता है। तो रिसाला लिखा था, 2 माहनामा था, एक इश्तियाक और दास्तान, 2 रिसाला था, महीने में निकलता था, ठीक है। इस वीडियो में इनकी ज़िंदगी को देख लेते हैं, उसके बाद उनकी 2 गज़ल है उनकी तशरीह देख लेंगे। तो रिसाला 2 निकाला था, एक इश्तियाक और दास्तान, यह हर महीने निकलता था, और एक था खादिम, खादिम कहते हैं खिदमत करने वाले को, सेवा करने वाले को, तो वो हफ्तावार हर हफ्ते निकालते थे। अच्छा लेक्चरर बने, ये पढ़ने लिखने के बाद अब करेंगे क्या, शादी वादी होगी तो अब जॉब तो कीजिएगा ना, तो जो वहीं कर रहे थे, पेशावर यूनिवर्सिटी में कर रहे थे, लेक्चरर थे, प्रोफेसर कह सकते हैं। लेक्चरर बनने के बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट, फिर प्रोफेसर बनते हैं। तो ये प्रोफेसर बने अहमद फराज, किसके, उर्दू के। और एक सवाल आता है इम्तहान में कि वो कहाँ आए थे हिंदुस्तान में अपने मरने से कुछ दिन पहले, तो 2009 में वो आए थे, वो दरभंगा में आए थे और मकबूल शायर माने जाते थे, और इनकी मकबूलियत पूरे आलमी ग्लोबल लेवल पे था, वर्ल्ड लेवल पे कह सकते हैं या इंटरनेशनल लेवल कह लीजिए, जैसे सऊदी अरब में मुशायरा होता है, दुबई में होता है, कतर वगैरह में मुशायरा होता है, पाकिस्तान वगैरह सब में तो होता ही है, तो उनमें भी इनको बुलाया जाता था। अभी भी वो सारे जो स्कॉलर हैं, शायर हैं, तो उनको बुलाया जाता है। उसके बाद जो है इन्होंने जो है मजमुआ लिखा, 12 मजमुआ, 1 दर्जन पूरा, 12 मजमुआ मतलब जो शायरी, शायर जो शायरी करता है उनकी शायरी को जब कलेक्शन में एक जगह लिख दिया जाता है किताब की शक्ल में, उसको मजमुआ कहते हैं, ठीक है। तो 12 मजमुए इन्होंने लिखा था, उनका नाम है तन्हा तन्हा, याद रखना, तन्हा तन्हा, दर्द अशोक नायाफ्त, शब खून मेरे ख्वाब रेजा रेजा, जाना जाना बे आवाज़ गली कुचू में, नाबीना शहर में आए ना, सब आवाज़ें मेरी है, बस अंदाज मौसम ख्वाबी गुल परिशा है, गज़ल बहाना करूँ। ऐसे याद कर लीजिए, इसमें से एक दो सवाल आता ही है, गज़ल बहाना करूँ, ख्वाबी गुल परिशा है, पसंदाज़ मौसम, सब आवाज़ें मेरी है, नाबीना शहर में आना, ब्यावास गली कुचू में, जाना जाना मेरे ख्वाब रेजा रेजा, रेजा रेजा कहते टुकड़े टुकड़े होना, शबे खून नायाफ्त, दर्द अशोक तन्हा तन्हा। तो ये इनकी शादी के कितने मजमू हैं, 12 मजमू हैं। इसके अलावा कहते 1987 में एक यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी एन कहते हैं, उन्होंने इनकी सारी शायरी को असासा के नाम से शाया किया, शाया किया मतलब छापा, पब्लिश किया, कितने जिल्द में, 4 जिल्द में इनकी किताब को छापा। तो ये भी सवाल इम्तहान में आ जाता है कि असासा के नाम से छपा था 4 जिल्द में। रोमानी शायर थे, आवाम खासा में शायरी होती थी इनकी, लेकिन इनकी जो शायरी का सेंटर है, मरकज़ है, वो हुस्न इश्क ही है, तो हुस्न इश्क में फोकस करते थे। अब हम बात करेंगे, ये तो 12 शायरी मजमू हो गए, अब हम बात करें इनकी गज़ल, कौन सी गज़ल, 2 गज़ल है, तो दोनों गज़लों की तशरीह हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अहमद फराज की ज़िंदगी देख चुके हैं, अब देखेंगे इनकी गज़ल को। गज़ल के लिए 2 गज़ल है, लेकिन इसमें पहली गज़ल जो है उसको देख लेते हैं। पहली गज़ल में चाचा क्या कह रहे हैं कि दौलत दर्द को, क्या कह रहे हैं, दौलत दर्द को, यानी जो दर्द आपके पास है, कौन सा दर्द, हमको क्या पता कौन सा दर्द है आपके पास, तो जैसा भी दर्द है, लेकिन मेरा कहना ये है कि शायर कैसे हैं, रोमांटिक हैं, तो कौन से दर्द वाली बात करेंगे, मोहब्बत का दर्द, हुस्न इश्क का दर्द, ठीक है। और मोहब्बत ऐसा खेल है ना, वो रुला ही देता सबको, ठीक है, चाहे कितना बड़ा पत्थर कर ले जाओ, मजबूत हो, खल्ली हो, जौन सेना हो, सब रो देता है, ठीक है। तो ये शायरी कह रहा कि जो दर्द है, किसका दर्द, मोहब्बत का दर्द, ये कैसा है, दौलत की तरह, ये एक एसेट से आपकी प्रॉपर्टी, इसको मत सबको बताइए, इसको क्या कीजिए, छुपा कर रखिए, दौलत है दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आंख में बूंद ना हो, दिल में समुंदर रखना, क्या मतलब हुआ इसका, कह रहा आपके आंख में बूंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि दर्द है, दर्द है तो आदमी रोएगा, तो रोएगा तो आंख में बूंद आएगा, लेकिन फिर कह कि नहीं, कि दर्द को क्या कीजिए, छुपा कर रखिए,
दौलत की दर्द की दौलत को छुपा के रखिए, आंख में ऐसे छुपा रखिए कि आंख में बूंद भी ना आए। तो फिर कह रहे दिल में समुद्र रखना, दिल में कैसे समुद्र को रखे, दिल इतना सा समुद्र इतना बड़ा कैसे रखेगा। तो कह रहे कि दिल में दर्द का तूफान है, दिल में मोहब्बत की शिकायत है, नफरत है, बहुत कुछ है, लेकिन कह रहे कि हमने दिल में समुद्र रख रखा है, किसका, दर्द का, तकलीफ का, मुसीबत का, लेकिन आंखों से जाहिर नहीं होने देंगे। हमारी आंखों में देखिएगा तो आपको आंखों में बूंद तक नहीं मिलेगा, आपको एक पत्थर का ले जाए, ये दिल तो पिघलता ही नहीं है। ठीक है, तो पहला मिसरा में शायर क्या कह रहा है, अहमद फराज की पहली गजल का पहला मिसरा, दर्द की दौलत को क्या कीजिए, दुनिया से छुपा कर रखें, अपना दर्द हर किसी को नहीं बताइए, हर कोई इस काबिल भी नहीं होता, हर शख्स नहीं होता, हर शख्स के काबिल, हर किसी से दिल लगाया नहीं करते। तो वही चीज़ है कि आप दर्द की दौलत हर किसी को नहीं बताया कीजिए, आंख में बूंद मत रखिए, अगर आंख से पानी गिर जाए तो छुपा लीजिए, भले दिल में बहुत सारा समुंदर हो, तूफान हो, दर्द का तूफान हो। फिर अगले मिसरे में कह रहा कि कल, क्या कह रहा है, कल कौन सा कल, गुजरा हुआ कल या आने वाला कल, नहीं गुजरा हुआ कल, तो कल वाला कल के बारे में कह रहा है कि कल गए गुजरे जमानों का ख्याल आएगा। कल मतलब जो बीते हुए कल का, आने वाले कल में क्या आएगा, ख्याल आएगा। क्यों ख्याल आएगा, आज इतना दिन रातों को मतलब वो रखना, आज खूब पार्टी कर रहे हैं, खूब दोस्ती कर रहे हैं, खूब मोहब्बत कर रहे हैं, कल जो बिछड़ जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, जुदाई हो जाएगी, तो आपको इस कल का क्या आएगा, ख्याल आएगा। कौन सा, बीते हुए कल का, आने वाले कल में क्या आएगा, ख्याल आएगा। तो शायरी कह रहे हैं कि आज जमाने का ख्याल जो है बचा के रखिए, रातों को इतना भी मनोवर मत रखिए, इतना भी खुशी मत मनाइए, खूब धूम धड़ाका कर रहे हैं, कल को मातम कर रहे हैं, तो नॉर्मल लाइफ जिए, ये शायद कहना चाह रहे हैं कि कल गए गुजरे जमानों का ख्याल आएगा, आज इतना भी ना रातों को मनोवर रखना। अगला हमेशा शायर ये कह रहा है अपनी बेवकूफ़ी पे, अपनी मोहब्बत पे, अपनी नादानी पे, कह रहा शायर कि अपनी आशुफ्ता मिजाजी पे, किस पे, आशुफ्ता मिजाजी, मुंतशिर मिजाजी, अपनी बेध्यानी, अपनी बेख्याली पे, अरे हंसी आती है, किस पे हंस रहा शायर, खुद पे कह रहा है, वो कितना बेवकूफ़ इंसान हो कि दुश्मनी संग से, संग हिंदी में मतलब साथ साथ, ये उर्दू में संग मतलब पत्थर, ये बताए पत्थर को ले जा, तो दुश्मनी किससे, संग से, और पैकर यानी शीशा किसका रखे हुआ है, कांच रखे हुआ, किसका, शीशे का गुलदस्ता, क्या कह सकते हैं उसको, कोई सा भी सामान है तो वो हाथ में रखे हुए आप, और दुश्मनी किससे रखे हुए, पत्थर से। तो शायरी कह रही है ये आपकी बेवकूफ़ी है कि जमाना कैसा है, संग दिल है, और आप मोहब्बत करने चले तो जमाना आपकी मोहब्बत को कबूल नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कह रहे कि अपनी बेवकूफ़ी पे मुझे खुद ही हंसी आ रहा कि किससे दुश्मनी कर लिए, किससे मोहब्बत कर लिए। अगला हमसे कह रहा कि आस कब नहीं थी दिल को तेरे आ जाने की, उम्मीद था कि तुम आओगी, आज नहीं तो कल आ जाओगी, लेकिन कह रहे कि इतनी भी आस नहीं लगाए, इतनी भी मोहब्बत नहीं है, इतनी भी तूफान नहीं है कि हम आपकी मोहब्बत में क्या कर लें, घर से कदम बाहर निकाल लें, अपने माँ बाप की इज्जत को हम बर्बाद करने वाले नहीं है। मोहब्बत तो है, आस है, क्या पाएगा, लेकिन नहीं आएगा तो दीवार फांद जाएंगे, घर से भाग जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, नस काट लेंगे, ऐसा करने वाले नहीं है। भले ही रोमांटिक शायर, मोहब्बत वाले शायर है कौन, अहमद फराज। चौथा मिसरा, अगला मिसरा कह रहा है, सॉरी आखिरी मिसरा कह रहा है कि जिक्र उसका, किसका, जिससे मोहब्बत है उसका, सही बज्म में, बज्म मतलब महफिल में, महफिल में बैठे हुए हैं और जिक्र चला, अपना नाम लिखे हुआ, अपना नाम जिस शेर में वो क्या होता है, मक्ता होता है गजल का आखिरी शेर, किसका जिक्र, उसका, मोहब्बत है जिससे उसका, कहाँ, मजलिस में, लेकिन दर्द, आप जब उसका तस्करा होगा, जिससे मोहब्बत है उसका चर्चा होगा तो तकलीफ तो होगी, लेकिन दर्द कैसा ही उठे, कॉम्बी फलम खा लेंगे, बताएंगे किसी को नहीं, हाथ ना दिल पर रखना, दिल पे हम हाथ ही नहीं रखेंगे ताकि लोग हमारे दर्द को जान ना सके। यहाँ भी वही कह रहे, दौलत दर्द को क्या कीजिए, छुपा कर रखिए, जिससे मोहब्बत उसको छुपा कर रखिए, तो दर्द कैसा ही उठे, तकलीफ कैसी उठे, आप मोहब्बत में हो, गम में हो, दर्द में हो, लेकिन अपना दर्द, अपनी मोहब्बत किसी को मत बताइए। सीधा सीधी शायरी करा कि अपनी मोहब्बत का जो आपका दौलत है, आपका जो दर्द है, जिससे मोहब्बत कर रहे हैं उसके नाम को रुसवा मत कीजिए, उसको छुपा कर रखिए, इतना ही कहना चाह रहा शायरी शेर में। पहली गजल देख चुके, अब आखिरी है किसका, अहमद फराज का, शायर क्या कह रहा है कि तेरे होते हुए, किसके होते हुए, तुम्हारे होते हुए हराम खोर, कह रहा है ना दो सब की कितना नमक हराम है, तुम्हारे होते हुए सारी परेशानी है। तो शायर कह रहे कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, यानी जो शायर का दोस्त है, महबूब है, कह रहा तुम किस काम के हो, निकम्मी हो, तुम किसी काम के नहीं, तुम्हारे रहते हुए हमको रोशनी के लिए क्या करना पड़ रहा है, दिव्या जलाना पड़ रहा है, तुम और कुछ काम कर देती, घर का काम कर देती तो हमको क्या जरूरत है चिराग जलाने का। तो शायर कह रहे क्या कर रहा है यहाँ पे, शिकायत कर रहा है दोस्त से, महबूब से, कि तेरे होते हुए भी हमको चिराग जलाना पड़ रहा है, अपने सीनियर से, अपने बड़े से मुखातिब हो सकता है कि आपके रहते हुए आप हमको रास्ता नहीं बता रहे हैं, आप क्या करते हैं, हमको चिराग नहीं दिखा रहे, आपके रहते हुए हमको खुद से चिराग जलाना पड़ रहा है। कहीं पे अल्लामा इकबाल ने इसको कहा था कि खूने जिगर से होती है मेरे नवा की परवरिश, मेरी ख्याल की परवरिश किससे, खूने जिगर से होती है। तो इस तरह से अलम सर क्या कह रहे हैं, लोग क्या सादा है सूरज को दिखाते हैं चिराग, लोग कितने सादा है, सादा मतलब कितने मासूम बन रहे, कितने भोले से बन रहे, कितने भोले बन रहे कि सूरज को भी क्या दिखा रहे हैं, चिराग दिखा रहे हैं।
यानी खुद इंटर पास करके पीएचडी वाले को एमकॉम वाले को टक्कर दे रहा है, एमएससी वाले को कह रहा कि तू क्या, हम तो ये है वो है, मतलब लोग अपने आप को इतना ओवर स्मार्ट समझते हैं कि बस जो है सो हम ही हैं, सूरज को भी क्या करते हैं चिराग दिखाने लगता है, जिसके पास थोड़ा सा भी नॉलेज हो, कहावत है कि अधे जल गगरी छल कर जाए, तो जिसके पास थोड़ा सा नॉलेज हो जाते फुदकता है, ये कर देंगे वो कर देंगे दुनिया हिला देंगे, तो ये शायद करामत फराज कि लोग क्या साथ है, सूरज को भी क्या कर रहे हैं चिराग दिखा रहे हैं, पहले मिनिस्टर में शिकायत कर रहा है कि आपके होते हुए भी हमको क्या करना पड़ रहा है, रोशनी लाने की जरूरत पड़ रही है, चिराग दिलाना पड़ रहा है, और लोग कितने मासूम हैं, कितने सीधे साधे हैं कि सूरज को भी क्या कर रहे हैं चिराग दिखा रहे हैं, शायद अपने आप को कह रहा है कि हम उर्दू की दुनिया के इतने बड़े हीरो हैं और हमको भी आप क्या कर रहे हैं रास्ता बता रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के रास्ता दिखाइए किसको क्या दिखा रहे हैं, फिर अपनी कमी के बारे में बता रहे हैं, अपनी महरूमी के एहसास से, एहसास समझ रहा इमोशन, डूब जाऊं तेरी आंखों के मोशन में, क्या है ओशन में, स्लो मोशन में, तो शायद यहाँ पे कह रहे कि हमारे पास जो इमोशन है, एहसास है, फीलिंग है, वो अपनी महरूमी का अंडर एस्टिमेशन का कि मेरे पास कुछ नहीं, गरीबी है, और उस गरीबी के एहसास से हम शर्मिंदा है, यानी अपने पास नॉलेज की कमी बता रहा है, टैलेंट की कमी बता रहा है, या गरीबी है जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं हम लोगों के काम नहीं आ पा रहे, लेकिन वो शायद अपने बारे में नहीं कह रहा है, लोगों के बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चिराग, खुद पढ़ने नहीं आता तो दूसरों को पढ़ने नहीं देंगे, न खेलब न खेले दे खेलवे बिगाड़ दे, तो वही शायद कह रहा है कि हमारा जमाना कैसा है कि न खुद पढ़ेंगे न दूसरे को पढ़ने देंगे, आपको पढ़े तो जाकर डीजे बजाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे, पता नहीं खाला को कहाँ से लाएंगे, कुछ भी सब करता रहता है लोग, तो शायद अगर अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा कि हमारे पास जो हमारा एहसास है यानी मेरे पास कुछ नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं हमारा समाज कि खुद भी नहीं पढ़ेगा दूसरों को भी पढ़ने नहीं देगा, खुद भी अच्छा काम नहीं करेगा दूसरों को भी अच्छा काम करने, खुद जो मोहब्बत इश्क न करेगा दूसरों को भी ना करने देगा। अगला मिसरा शायद क्या कह रहा है कि बस्तियाँ दूर हुई जाती है, जिस गाँव में जिस शहर में जिस बस्ती में वो हमसे दूर हो गए रफ्तार रफ्तार, तो क्या करेगी मुझसे रफ्तार रफ्तार रफ्तार, हम लोग धीरे धीरे बस्तियाँ दूर हुई जाती है, दम बदम आंखों से छुपते चले जाते हैं चिराग, यहाँ पे इशारा किया कि जब बस्तियां दूर हो जाएगी आदमी अच्छे लोगों से दूर हो जाए धीरे धीरे, तो रास्ता भी इंसान को नहीं मिलता, रोशनी भी दूर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या खबर उनको, शायद वार्निंग दे रहा समाज को, किसको क्या खबर उनको कि दामन भी भड़क उठते हैं, भड़क मतलब यहाँ पे आग लग जाना, भड़क मतलब आग लग जाना, किसका आग लगेगा, जो जमाने की हवाओं से बचाते हैं चिराग, चिराग को बचा के रखे हो, टैलेंट को बचा के रखे हो, सलाहियत को बचा के रखे हुए, उस सलाहियत आप खुद ही जल जाएगी, आपकी सलाहियत खत्म हो जाएगी, या लोगों को छुपा के रखेंगे, बम को बचा के रखेंगे, तो ऐसा नहीं कि आप बचे आप भी उड़ जाएगा, आप बम बनाएगा तो आप भी उड़ जाएगा, शायद आप ही कह रहे हैं कि जो जमाने को अगर चिराग को बचा के रखे जमाने की हवाओं से, तो उस चिराग से उसका खुद ही घर जल जाएगा, यानी और लोगों के काम नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे लोग अपने जो है वो भी कुछ खास काम नहीं कर पाएगा, समाज के लिए वो बोझ हो जाता है, कुछ खास नहीं कर पाता है, तो शायद ये शिकायत कर रहा है ऐसे लोगों को, क्या खबर उनको कि दामन भी भड़क उठते हैं, मतलब आग लग जाती है, जो जमाने की हवाओं से बचाते हैं चिराग, तो शायद शेर में जो है बस क्या क्या शिकायत ज्यादा क्या जला हुआ इंसान रहा होगा। अगला मिसरा कह रहे वो सियाह बख्त, सियाह मतलब काला, कह रहे कि हमारी नसीब कैसी काली है, लेटेस्ट अबर की हमारी किस्मत खुली, मतलब मतलब जो किस्मत फूटी होती है, टूटी हो जल गया हो, तो हम लोगों पे रोशन है जमीर, जमीर कहते हैं करेक्टर को, जमीर बोलते हैं खुदी को, जैसे कभी कभी सुने होंगे कि लोग कहते हैं कि ये काम करने का हमारा दिल गवारा नहीं करते, यानी आपका जमीर ऐसा है, आपका एहसास ऐसा है कि आप गलत काम करना नहीं चाहते हैं, शायद कह रहे कि हमारी नसीब फूटी हुई है लेकिन हमने अपने जमीर को बचा के रखे हुआ, उल्टा पुल्टा काम नहीं किया, पैसा कमाने के लिए कुछ भी नहीं कर लिए, खुद अंधेरे में है दुनिया को दिखाते हैं चिराग, अगला क्या कह रहा है कि खुद किस में जा रहा है अंधेरे में जा रहा है, और दुनिया को क्या कर रहा है चिराग दिखा रहा है, खुद पढ़े नहीं दूसरे को कर रहा है MBBS कर लो नीट कर लो IAS बन जाओ फलान बन जाओ ढकान बन जाओ, तो खुद पढ़ते नहीं है, खुद कहाँ है अंधेरे में, दुनिया को क्या दिखा रहा है रास्ता दिखा रहा है। अगला मिसरा बस्तियाँ चांद सितारों की बसाने वालों, किसकी दुनिया बसा रही चांद पे गया था, ठीक है तो वो जो बसा रहे ठीक है, बस्तियाँ चांद सितारों की बसाने वालों, कुर्रा अर्ध कुर्रा कहते हैं गोला को, प्लानट जो है अर्थ एक प्लानट है मून भी है ठीक है और सन वगैरह वगैरह, तो कुर्रा अर्ज पे अमित वगैरह गोला पे ठीक है, तो कुर्रा अर्ज पे बुझने चले जाते हैं चिराग, कह रहे कि आप बस्ती कहाँ बसा रहे हैं चांद पे जाकर बसा रहे हैं, लेकिन जमीन पे जो लोग रह रहे हैं चिराग मतलब लोगों को की मिसाल दी है, इंसान क्या हो रहा है बुझ रहा है, इंसान की तकलीफ दर्द मुसीबत बढ़ रहा है, तो यहाँ तो लोग बुझ रहा है मिट रहा है और आप क्या कर रहे हैं गरीबी बढ़ रही है मुसीबत बढ़ रही है और आप चांद की दुनिया बसा रहे हैं, बेवकूफ़ी पे लोग मजाक उड़ाए, ऐसे बेदर्द हुए हम। अगला मिसरा क्या कर शायर ऐसे बेदर्द क्या हुए, बेदर्द जमाना क्या जाने हाल हमारा क्या, ऐसे बेदर्द हुए हम भी क्या गुलशन पर, गुलशन मतलब गुलशन खाला नहीं, गुलशन मतलब वही बाग फूल बागीचा, तो गुलशन पर बर्फ गिरी, बर्फ मतलब बिजली, बिजली कौन
आसमान वाली बिजली, यहाँ पे बर्क मतलब तकलीफ मुसीबत। तो जिंदा में जलाते हैं चिराग कैद खाने में, बिजली कहाँ गिरी, तकलीफ मुसीबत कहाँ, बाग पे, हम पे जो है चिराग कहाँ जला रहे हैं, यानी दवा कहाँ, मरहम कहाँ लगा रहे हैं, कैद खाने में लगा रहे हैं, यानी घर पे हम इलाज कर रहे हैं, बिजली गुलशन पे गिरी है। आखिरी मिसरा शायद कहते हैं, ऐसी तारीखी आंखों में बसी है कि फराज, ऐसी तारीखी अंधेरा है, इतना अंधेरा है, इतना निराशा हो गया है, कुछ नहीं हो पा रहा जिंदगी में, इतने नाउमीद हो गए, इतना अंधेरा छा गया कि रात को रात हम दिन को जलाते हैं चिराग, हमको मोटिवेशन वीडियो देखना पड़ता है हमको संदीप महेश्वरी का, यानी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। तो जिंदगी में नाउमीद नहीं होना है, आगे चिराग जलाते रहना है, चिराग नहीं मिले तो क्या करना, हम लोग लाइट जला देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, बिजली बिल हम चुकाएंगे।